फ्रेंड्स, अभी हम लोग आज जीन्स का बैग बनाने के लिए जा रहे हैं। जो हमारे घर में रफ जीन्स या पुरानी जीन्स पड़ी है उसका हम लोग बैग बनाने जा रहे हैं। ऐसा बैग बना रहे हैं, और आपको अगर जो चाहिए तो इसमें आप अलग से कुछ फैब्रिक अस्तर लाइनिंग के लिए आप डाल सकते हो, या अस्तर बोलते हैं या लाइनिंग, आप उसके लिए आप डाल सकते हो। तो इस बैग के लिए हमने ये जीन्स एक लिया है, हमने एक इसका बेल्ट के लिए ये हमने कट किया है। अभी इसमें हम फ्लावर्स लगाएंगे, अभी हम कटिंग करेंगे। ये हम ऐसे रखेंगे, अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अभी हम इसको स्टिच करेंगे। एकदम इजी है ये बनाना फ्रेंड। अभी हम इसको स्टिच करेंगे। ये मैंने बताया आपको, ये मेरी बारहवीं की मशीन है उषा की। आप किसी भी मशीन पे आप ये बना सकते हो, नॉर्मल मशीन के ऊपर भी आप बना सकते हो। अभी हम इसको 1/4 स्टिच करेंगे। हमारा स्टिच हो गया, अभी हम इसको शेप देंगे दोनों कोने के ऊपर। हम इसको ऐसा ऐसा करेंगे और फिर 1 इंच ऐसा शेप देंगे। ये हमारा बैग था, ये हमारा सादा बैग था। ये हमारा बैग बना के अब हम अपना बैग रेडी कर लिए हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ फ्लावर्स का वेरिएशन करेंगे इसी कपड़े का। थोड़ा सा हमने एक फ्लावर कटिंग किया इसको फ्लावर बनाने के लिए, थोड़ा सा फैब्रिक कटिंग करेंगे और हम इसका फ्लावर बनाएंगे। ये हमारा फ्लावर, ऐसा पकड़ेंगे और फिर इसको ऐसा हम स्टिच करेंगे। ये हो गया हमारा फ्लावर। इसके ज़्यादा शो के लिए आप मोती या ऐसे छोटा सा दूसरे फैब्रिक का फ्लास आप लगा सकते हो इसके ऊपर। तो हमने वाइट फैब्रिक लिया और सेम ऐसा ही हमने बना के रखा थोड़ा, और सेम ऐसे ही उसके ऊपर हम है। फ्रेंड, अभी हम लोगों ने फ्लावर बनाया, मैंने फ्लावर बनाया, फ्लावर को और नीडल्स लेके इसको हैंड से स्टिच कर दिया। अभी हम इसका बेल्ट लगाएंगे। हमने एक बेल्ट बनाया है, अभी दूसरा बेल्ट हम आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। ये हमारा हो गया बेल्ट, जो
फैब्रिक बचा है उसी से हम अपना बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट रेडी हो गया है। अभी हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। तो अभी हम स्टिच कर रहे हैं। अभी ये हो गया हमारा स्टिच। यहाँ पे स्टिच करेंगे दूसरा। अब हमारा इसी तरह से हमने दूसरा भी स्टिच कर लिया। अभी हमारा बैग तैयार हो गया। अभी हमारा बैग सुंदर सा अच्छा सा बैग तैयार हो गया। धन्यवाद।